सीएम केसीआर ने आर एंड बी मंत्री वेमला प्रशांत रेड्डी और अधिकारियों को गुणवत्ता में कोई समझौता किए बिना नए सचिवालय के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है सुझाव दिया है कि सचिवालय के सभी विभागों के कार्यों को अद्भुत और सुंदर बनाया जाए मुख्यमंत्री केसीआर ने नवनिर्मित सचिवालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया सीएम ने मंत्री और अधिकारियों से पूछा कि क्या मूल डिज़ाइन के अनुसार काम चल रहा है साथ ही सभी कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए सभी आवश्यक उपाय एवं सावधानियों के आदेश दिए गए उन्होंने कहा है कि किसी भी हाल में कार्यों में देरी नहीं होनी चाहिए सीएम ने सुझाव दिया है कि स्लैब भवन पर गुम्बद आंतरिक कार्य और फर्नीचर के निर्माण के लिए नए मॉडल का चयन किया जाना चाहिए। मंत्रियों के कक्षों, पूर्व कक्षों के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कई सुझाव दिए मुख्यमंत्री ने भवन के माध्यम मध्य भाग में लगभग दो एकड़ खाली जगह के साथ सचिवालय परिसर में हरियाली और लैंडस्केपिंग कार्य को उत्कृष्ट बनाने के निर्देश दिए सीएम ने ग्रिल निर्माण कार्य की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली लाल पत्थर व ड्रेनेज निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया उन्होंने कहा है कि सचिवालय की दीवार के साथ आगंतुकों के लॉन्स का निर्माण और मिट्टी भरने का काम जल्द ही पूरा किया जाए सचिवालय में आने वाले विदेशी प्रतिनिधियों मंत्रियों सांसदों एमएलसी विधायकों और आंगतुकों की सुविधा के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाए सीएम केसीआर के विभिन्न जिलों से सचिवालय आने वाले जनप्रतिनिधियों अधिकारियों और लोगों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उचित सावधानी बरतने की सलाह दी है सीएम एम ने निर्माणधीन सचिवालय में चल रहे कार्यों की गति को लेकर समीक्षा की है उन्होंने कार्य से संबंधित एल्बम की जाँच की और प्रत्येक कार्य के बारे में विस्तार से पूछा है आईटी मंत्री के को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशिया और यूरोप के प्रभावशाली और शक्तिशाली नेताओं के एक बैठक में भाग लेने का निमंत्रण मिला है स्विट्जरलैंड का राजधानी ज्यूरिच में होने वाली एशिया लीडर्स सीरीज़ की बैठक में आयोजकों से के को निमंत्रण दिया गया है 4 अक्टूबर को होने वाले सम्मेलन में यूरोप और एशिया के 100 सबसे प्रभावशाली नेता शामिल होंगे बैठक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती राजनीतिक अनिश्चित और यूरोप एशिया गलियों की सेवा करने वाली बड़ी कंपनियों पर इसके प्रभाव पर चर्चा होगी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के लिए एक साथ आने और विभिन्न मुद्दों पर विचार साझा करने के लिए इसे एक महान मंच के रूप में देखा टी के वरिष्ठ प्रवक्ता आदंकी दयाकर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी मतभेद शीघ्र ही दूर किए जाएंगे उन्होंने कहा है कि उम्मीदवार के तौर पर काम करने वाले हर कार्यकर्ता की सफलता सुनिश्चित होती है उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा देने वाले राजगोपाल रेड्डी के बधाई दी हालांकि इससे पहले पार्टी छोड़कर गए 12 विधायकों ने अपने पदों से इस्तीफा नहीं दिए है हालांकि पार्टी मुश्किल दौर से गुजरने पर उनका यह फैसला दर्द भरा रहा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मर्री शशिधर रेड्डी ने राज्य नेतृत्व पर सनसनीखेज टिप्पणी की है उन्होंने टी पी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पर आरोप लगाया गया है कि जो लोग पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं वे कांग्रेस में उथल पुथल मचा रहे हैं शशिधर रेड्डी ने अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा है कि पार्टी के राज्य मामलों में प्रभारी मानिक्यम ठाकुर और रेवंत एजेंट बन गए हैं उन्होंने वरिष्ठों को फटकार लगाने पर भी पार्टी हाईकमान द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया उन्होंने कहा कि कोमटरेड्डी बंधुओं के प्रति रेवंत रेड्डी का रवैया ठीक नहीं है उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी है ये आई सचिव नदीम जावेद ने ये आई कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष ये टी -E महेश्वर रेड्डी से मुलाकात की महेश्वर रेड्डी के हाल ही में कांग्रेस पार्टी छोड़ने की खबरों के मद्देनजर इस बैठक का महत्व बढ़ा कहा जाता है कि पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी पिछले कुछ समय से पार्टी से नाखुश है खबर है कि पिछले पीसीसी अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी के कार्यकाल में अहम भूमिका निभाने वाले महेश्वर रेड्डी को रेवंत रेड्डी के जगह लेने के बाद प्राथमिकता नहीं मिल रही है इसके मद्देनजर ये आईसीसी सचिव नदीम जावेद के महेश्वर रेड्डी के घर के दौरे ने पार्टी में एक नई चर्चा का पर्दाफाश कर दिया लेकिन नदीम जावेद ने कहा है कि वह महेश्वर रेड्डी के घर शिष्टाचार वंश लंच के लिए गए थे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी के अरुणा ने जुबली हिल्स स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस मीट के दौरान मीडिया से बातचीत की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए किए गए भाषण को लेकर केसीआर द्वारा अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करने योग्य नहीं है केसीआर की तरह झूठ बोलने की आदत पीएम मोदी को नहीं है केसीआर और केटीआर दो झूठे हैं केसीआर को सीएम की कुर्सी 1200 शहीदों के त्याग और बलिदान के चलते मिली है केसीआर बताना ज़रूरी है कि मोदी तेलंगाना के दुश्मन क्यों बने सभी जनता जानती है कि केसीआर ने परिजनों के नाम पर कैसे लूट खसोट कर रहे हैं उन्होंने पूछा कि अगर केसीआर के भ्रष्टाचार के बारे में मोदी बयान देते हैं तो दुश्मन बन जाते हैं डी के ने कहा कि लोग शीघ्र ही के को बाहर का रास्ता दिखा देंगे बीजेपी के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि तेलंगाना में राजनीति निवेश की राजनीति में बदल गई है तारनाका के पूर्व मेयर बंडा कार्तिका रेड्डी ने जन्मदिन समारोह में उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश में व्यापक भ्रष्टाचार का काले धन से छुटकारा पाने के लिए लोगों के समर्थन का आह्वान किया उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सबसे भ्रष्टाचार शासन जारी है इसके अलावा पूरे परिवार के शासन के चलते लोग इन्हें सब सबक सिखाएंगे उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोग बदलाव का इंतजार कर रहे हैं और भाजपा यह बदलाव ला सकती है मुनगोड़ उपचुनाव एक प्रतिष्ठित चुनाव है यह तेलंगाना के लोगों और कलवकुंतला परिवार के बीच का चुनाव है इस कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व एमएलसी रामचंद्र राव कई नेताओं और जीएचएमसी स्टाफ ने हिस्सा लिया और कार्तिका रेड्डी को बधाई दी मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रक्तदान करना दूसरे के जीवन दान देने जैसा दान है वज्रोत्सव में अंतर्गत उन्होंने सनतनगर के वेलफेयर ग्राउंड में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर 75 रक्तदानों के रक्तदान किया स्थानीय कॉर्पोरेटर लक्ष्मी बाला रेड्डी और मंडल टी अध्यक्ष बाला रेड्डी ने रक्तदान किया मंत्री तलसानी ने कहा है कि अनेक वीरों के त्याग और बलिदान से विशाल भारत स्वतंत्रता हुआ है उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार इस माह के आठ से बाईस तारीख के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की स्मृति में वज्रोत्सव का आयोजन किया जा रहा है तेलुगु राज्यों में आईटी हमलों से हडकंप मच गया है बुधवार को वासवी कंस्ट्रक्शन और वासवी ग्रुप ऑफ वेंचर्स पर एक साथ छापेमारी की गई हैदराबाद के बंजरा हिल्स में वासवी ग्रुप के मुख्यालय के साथ शहर के विभिन्न हिस्सों में आईटी छापेमारी की गई 40 से अधिक आईटी टीमों ने 20 क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया आयकर विभाग ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में समूह के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और निर्देशकों के साथ कंपनी के प्रधान कार्यालय और ब्रांच कार्यालयों पर भी छापेमारी की ऐसा लगता है कि इस कंपनी के बारे में यह पता लगाने के बाद मामला दर्ज किया गया है कि उन्हें जो आय हो रही है और जो आयकर के वे सरकार को दे रहे हैं उसमें क्या अंतर है खुलासा हुआ है कि वास्तविक आय नहीं दिखाने के आरोप में आईटी तलाशी ली जा रही है ऐसा लगता है कि कंपनी से संबंधित मूल्यवान दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान पहले ही जब्त कर लिए गए हैं चिकोटी प्रवीण ने आरोप लगाया है कि जांच में नेताओं के नाम बताने पर उन्हें धमकाया जा रहा है उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है उन्होंने कैसीनो को कानूनी बताया है उन्होंने कहा है कि ईडी द्वारा पूछे गए सभी सवालों के उन्होंने जवाब दिए चिकोटी प्रवीण ने कहा है कि अज्ञात लोगों ने उसके घर पर रैकी की है उसने कोई हवाला कारोबार नहीं किया है जैसा कि मीडिया में बताया गया है उन्होंने साफ़ कर दिया है कि उनका सभी पार्टियों के नेताओं से संपर्क है लेकिन उनका राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है उन्होंने कहा है कि यह सच है कि उनके कैसिनो में वीआईपी और वीवीआईपी आए हैं चिकोटी प्रवीण ने खुलासा किया है कि उन्होंने फिल्म हस्तियों द्वारा भी प्रचार किया और उन्हें नियमों के अनुसार भी भुगतान किया है आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सनतनगर डिवीज़न के अलाउद्दीन कोटी क्षेत्र में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस संदर्भ में पार्टी वरिष्ठ नेता मोहम्मद खाजा ने कहा है कि मंत्री तलासानी श्रीनिवास यादव के नेतृत्व में स्वतंत्रता हीरंग महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है जश्न में मुख्य अतिथि के रूप में नगर कॉरपोरेटर बाला रेड्डी और टी वरिष्ठ नेता सैयद सिराज रियाजुद्दीन मिर्जा खलील बेग उपस्थित रहे मैं मोहम्मद ख्वाजा सनत नगर अलाउद्दीन कोठी से आज यहाँ पर यह जो जश्न का प्रोग्राम रखा गया है जनाब तलसानी सीनिया यादव साहब जो हमारे कॉन्स्टेंसी में इस प्रोग्राम को अच्छे से सेलिब्रेट करें उसी तरीके से यहाँ आज अलाउद्दीन कोठी में भी ये प्रोग्राम को रखा गया था जिसमें मेहमान खसूसी जनाब बाल साहब सैयद सिराजुद्दीन साहब और हमारे खलील मिर्जा खलील बेग और आसिफ खान ये तमाम रवि ये तमाम लोग सीनिया सन्ना ये लोग हमारे पास तश्रीफ लाए हमें हिम्मत अफजाई दी कि प्रोग्राम अच्छा हुआ यहाँ और यहाँ पर अक्सर हमारे मिनिस्टर साहब की खसूस नजर रहती है मोहल्ले पे कि भाई यहाँ पर कोई चीज़ का प्रॉब्लम ना आए अच्छे से हमारे पास डेवलपमेंट का काम हो रहा है और मैं हमारे हिंदुस्तान की आवाम से गुजारिश करूँगा ये माहौल को हमेशा बना के रखे जिस तरीके से हमने आज ये पचहत्तरवा साल मनाए हम हर साल ऐसे ही मनाए इसी इसी खुशी से मनाएं कि ये ये कोई एक लोगों का नहीं ये तमाम लोगों का सेलिब्रेशन है सारे हिंदुस्तानियों का सेलिब्रेशन है इसको हम हर साल ऐसे ही तरीके से मनाएं और तमाम आवाम से मैं गुजारिश करता हूं कि जो बकाया दिन रह चुके हैं इनको भी अच्छा सेलिब्रेट करें और पीसफुल तरीके से हम आज यहां पर प्रोग्राम में एक हज़ार से बारह सौ आदमी का खाना रखा गया था जो दावत आम थी और थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट का हम लोग यहाँ पर जश्न रख लिए थे जिस तरीके से बाला नगर डिवीज़न के राजीव गांधी नगर में विधायक माधवरम कृष्णा राव के हाथों सरकारी स्कूल का उद्घाटन किया गया इस अवसर पर स्कूल के लगभग एक छात्रों ने बैग किताबें पेन पेंसिल कंपास बॉक्स आदि स्कूल सामग्रियाँ वितरित की गई कार्यक्रम में राजीव गांधी नगर पार्टी अध्यक्ष अब्दुल्ला अजीज कहा है कि विधायक ने खुद के पैसों में से स्कूल बिल्डिंग बनाई है इस स्कूल का निर्माण निजी कॉरपोरेटर स्कूल की तर्ज पर किया गया है इस अवसर पर कॉरपोरेटर रविंदर रेड्डी पार्टी नगर महासचिव उमर शरीफ स्कूल प्रिंसिपल नागराज और शिक्षक उपस्थित थे यहाँ पर स्कूल ओपनिंग के लिए हमारे माधवरा साहब आए जो प्राइवेट स्कूल से बहुत ही अच्छा जो गवर्नमेंट स्कूल बनाए अपने ओन पैसों से बनाए उन्होंने अपने ओन उन पैसों से बनाए उन्होंने इसके अंदर कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं है प्राइवेट पैसे लगा के प्राइवेट स्कूल के दर का बनाई गवर्नमेंट स्कूल को और उनके माँ बाप और बच्चों के लिए पूरे बैग फ्री दिए वाटर बॉटल फ्री दिए और बुक फ्री दिए कंपास बॉक्स पेंसिल हर वो चीज़ फ्री दिए जो बच्चों को पढ़ के आगे बढ़ने के लिए जो आस्था लगा कोई पार्टी वाला हमारे एरिया के अंदर ना कोई बीजेपी वाला आज तक लगा यहाँ पर आया ना कोई कांग्रेस वाला आके ये यहाँ पर के गरीब बच्चों के लिए जो स्कूल चाहिए था वो कोई नहीं करे जो हमारे टीआरएस पार्टी के माधव कृष्णा एम एल साहब जो आगे हमारे एरिया के अंदर बहुत ही अच्छा काम करके गए जो बच्चों के लिए पढ़ाई मिली तो बच्चे आगे बढ़ सकते वो हमारे एम साहब करे आज तक का कोई पार्टी वाला नहीं करा मैं तहे दिल से एम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपने के साहब के साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे कृष्णा राव अन्ना को जो इतनी सहूलत दिए कि यहाँ पर का जो भी काम है आप संभालो बोल के इसीलिए हमारे माधव कृष्णा राव साहब एम एल साहब हर जगह रोडों का काम हो दो या स्कूल का काम हो दो या डेनिज का काम हो दो खाली एक फोन कर करते इमीडिएटली काम करा रहे मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एम साहब का और बच्चों के लिए यहाँ पर आज जो स्कूल ओपनिंग के लिए आए थे हमारे सर एम एल साहब आने के बाद छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए खाने का बंदोबस्त भी करें और उनके माँ बाप जो है उनके लिए भी खाने का बंदोबस्त करें मैं तह दिलते शु